क्लास फोर्थ लेसन नंबर एट श्री गुरु नानक देव जी प्री रीडिंग नेम द सिख गुरुज सिख गुरुआं दे नाम दसो हु इज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स सिखां दे पहले गुरु कौन हन हैव यू एवर हर्ड अबाउट श्री गुरु नानक देव जी की तुसी पहला कदे गुरु नानक देव जी बारे सुनिया है न्यू वर्ड्स बॉट खरीदिया अर्निंग्स कमाई हंगरी भुखा बिजनेस व्यापार स्पेंट खर्चिया रिसाइटेड पाठ कीता डिप्राइव्ड वंचित रहा एंटायर सारा गुरु नानक देव जी वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स गुरु नानक देव जी सिखां दे पहले गुरु सन हिज फादर्स नेम वाज मेहता कालू उन्हां दे पिता जी दा नाम मेहता कालू सी हिज मदर्स नेम वाज तृप्ता देवी उन्हां दे माता जी दा नाम तृप्ता देवी सी हिज एल्डर्स सिस्टर वाज बेबे नानकी उन्हां दी वड्डी भैन बेबे नानकी सन गुरु नानक देव जी वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी गुरु नानक देव जी हमेशा जरूरतमंदा दी मदद लई तैयार रहंदे सन वंस हिज फादर गेव हिम 20 रुपीज टू स्टार्ट ए बिजनेस एक बार उन्हां दे पिता जी ने उन्हां नूं 20 रुपए दे के व्यापार करन लई भेजिया गुरु नानक देव जी सा सम हंगरी साधुज गुरु नानक देव जी ने कुछ भुखे साधु देखे ही बॉट फूड फॉर द साधुज विद ऑल द मनी ही हैड उन्हां कोल जिन्ने रुपए सन उस दा साधुआं नूं भोजन करवा दिता हिज फादर asked him about the money he had given him. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੁਪਇਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ. Nanak said that he has done true duty and told him that he had fed the hungry sadhus. Nanak ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਸੈਂਟ ਟੂ ਏ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਟੂ ਵਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਸਪੈਂਟ ਹਿਜ ਐਂਟਾਇਰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਔਨ ਦਾ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੀ ਨੈਵਰ ਕੈਪਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫੋਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚਡ ਦੈਟ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ ਹਿਜ਼ ਮੇਨ 3 ਟੀਚਿੰਗਸ ਵਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈਡ ਏ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਚੈਰਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ In order to spread his message
ऑफ ब्रदरहुड ही टुक फोर लॉन्ग जर्नीज उदासियां इन ऑल द फोर डायरेक्शंस भाईचारे का सुनेहा देने लई उन्होंने चार दिशावां विच लंबियां यात्रावां कीतियां जिन्हां नूं उदासियां भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी कंपोज्ड जपजी साहिब विच इज रिसाइटेड एज मॉर्निंग प्रेयर। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब की रचना की जिसका सवेर वेले रोजाना पाठ किया जाता है।